नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित 19 पदक। आज खेल के अंतिम दिन बैडमिंटन में कृष्ण नागर ने स्वर्ण और सुहास यतिराज ने रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण नागर और सुहास यतिराज की जीत की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा से बच्चों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा सुदृढ़ होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। देश भर में अब तक 68,46,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.42% हुई। केरल में नेपा वायरस से संक्रमित 12 वर्षीय बच्चे की मौत। रोग नियंत्रण केंद्र के विशेषज्ञों का दल आज कोझिकोड पहुंचा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच संघर्ष के बारे में परस्पर विरोधी खबरें। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, 2015 के परमाणु समझौते को पुनः लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत को तैयार। और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज दूसरी पारी में 3 विकेट पर 270 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार में पुष्पलता शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के आखिरी दिन आज भारत ने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। ब्यौरे के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। टोक्यो पैरालंपिक में आज अंतिम दिन भारत ने 1 स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुष सिंगल्स में कृष्ण नागर ने फाइनल में हांगकांग के मान काई चू को हराकर स्वर्ण देश के नाम किया। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यतिराज ने रजत पदक जीता। भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 24 अगस्त से शुरू हुए पैरालंपिक खेल आज समाप्त हो रहे हैं। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वजवाहक होंगी। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। समापन समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ सादगी से संपन्न होंगे। जहां एक ओर पदक जीतने वाले खिलाड़ी उत्साहित हैं, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे खिलाड़ी एक नया अनुभव लेकर टोक्यो से वापस जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आज खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक को अलविदा कहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि पेरिस पैरालंपिक में एक नया इतिहास रचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक पदक विजेताओं कृष्ण नागर और सुहास यतिराज से बात की है। श्री मोदी ने कृष्ण नागर को फोन कर उन्हें स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कृष्ण के प्रयासों और प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने रजत पदक विजेता सुहास यतिराज को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश को सुहास की उपलब्धियों पर गर्व है। सुहास ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें एशियाई खेलों के बाद प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत याद है, जब प्रधानमंत्री ने एथलीट को प्रेरित किया था। सुहास ने टोक्यो रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के शब्दों को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन्हें परिणाम के बजाय अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
सुहास ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह सलाह बहुत उपयोगी साबित हुई। उन्होंने एथलीट का लगातार समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2016 में 19 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और आज 19 पदक जीते हैं। My heartfelt congratulations for both the medalists, winning a gold and a silver medal for us. If you compare it with the 2016-19 member contingent, today we have won 19 Paralympic medals. It clearly showcases India has done well. Our medal has increased say about 5 times. It's a big achievement. A big congratulations all the athletes. उधर पैरालंपिक रजत पदक विजेता मरियप्पन का आज सुबह चेन्नई हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दो बार के पदक विजेता मरियप्पन ने पत्रकारों को बताया कि वो खेल के दौरान बारिश के कारण स्वर्ण पदक से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने अगली बार स्वर्ण पदक जीतने का आश्वासन दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया है। आज शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वे जाने माने विचारक थे और समूचे विश्व में उनकी विद्वता का सम्मान किया जाता था। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चे की योग्यता और पृष्ठभूमि को देखते हुए ही उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। किसी भी समाज में निहित प्रतिभा के संयोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी शिक्षकों की ही होती है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली के जरिए बच्चों में देश प्रेम की भावना बलवती होनी चाहिए। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। श्री कोविंद ने देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले हर शिक्षक के बारे में लघु चित्र भी दिखाया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राजस्थान बीकानेर से शिक्षक दीपक जोशी ने कहा कि विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को उभारने का मूल दायित्व शिक्षकों का है और अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माण में निश्चित रूप से सहायक होता है। भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, एक छोटे से गांव के शिक्षक को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा पुरस्कार दिया, ये मेरे लिए एक स्वप्न की पूर्ति के समान है। और पुरस्कार जो है वो सभी शिक्षक समाज को मैं समर्पित करना चाहूंगा और इस पुरस्कार के बराबर के हकदार मेरे विद्यार्थी भी हैं। और मैं सभी शिक्षक साथियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि विद्यार्थी हित जो है वो सबसे पहले है। हम सभी मिलकर विद्यार्थी हित के लिए, समाज हित के लिए सदैव कार्य करते रहें ताकि हम एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण
निर्माण कर सकें। इसके साथ साथ मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि विज्ञान और तकनीकी जो है वो एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकते हैं, और उनके जो गार्जियन जो है उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि वो शिक्षा में विद्यार्थियों की रुचि का जरूर ध्यान रखें। ये किसी सिलेबस से बंधी हुई नहीं है, बच्चे को स्वतंत्र माध्यम की सहायता से उसकी रुचि का ध्यान रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। हरियाणा में भिवानी की शिक्षिका श्रीमती ममता पालीवाल ने भी आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि पुरस्कार मिलने से वे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। आज शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के हाथों जब मुझे सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। देश भर के हमारे शिक्षकों में से शामिल होना ये अत्यंत गर्व का विषय है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ खुद को, और मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगी कि बच्चे शिक्षक का सम्मान करें, ये उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। बच्चों के लिए खूब मेहनत की है, उसका नतीजा है आज ये राष्ट्रपति जी सम्मानित कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपके हाथों में एक कोमल मिट्टी के घड़े हैं और आपको उन्हें बहुत ही समाज के लायक बनाना है, एक समाज को अच्छी पोत तैयार करके देनी है, तो आप अपना द बेस्ट उनमें दीजिए और अपने आप को एक आदर्श के रूप में बच्चों के सामने पेश कीजिए, और हर बच्चा परफेक्ट बनेगा तो ये समाज भी परफेक्ट ही बनेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कहा कि नई शिक्षा नीति देश में बदलाव लेकर आएगी। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन होना शुरू हुआ है जिसमें हम 21वीं सदी को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, और आज की शिक्षक दिवस इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का पहले सालगिरह के अवसर पे ये पहला शिक्षक दिवस है। और अब पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को समर्पित है आज का संस्कृति संदेश। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि वह गुरु ही होता है जो शिष्य को ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग दिखाता है। शिक्षकों अर्थात गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे, उन्हें अध्यापन से गहरा प्रेम था। भारतीय संस्कृति के संवाहक प्रख्यात शिक्षाविद महान दार्शनिक और आस्थावान हिंदू विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म मद्रास प्रेसिडेंसी में चित्तूर जिले के तुरुत्तनी गांव में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और वेल्लूर में हुई, इसके बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1918 में वे मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। आजादी के बाद वे सोवियत संघ में भारत के विशिष्ट राजदूत बने। वहां से लौटने के बाद 1952 में डॉक्टर राधाकृष्णन देश के प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इस पद पर 10 वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद 1962 में उन्हें देश का राष्ट्रपति चुना गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश के सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया। शिक्षकों को समर्पित सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर जहां पूरा देश शिक्षकों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है, तो वहीं पूरा शिक्षक वर्ग डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिनकी वजह से आज पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित 19 पदक।
आज खेलों के अंतिम दिन बैडमिंटन में कृष्णनागर ने स्वर्ण और सुहास यतिराज ने रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णनागर और सुहास यतिराज की जीत की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, शिक्षा से बच्चों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा सुदृढ़ होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। देश भर में अब तक 68,46,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.42% हुई। केरल में निपा वायरस से संक्रमित 12 वर्षीय बच्चे की मौत। रोग नियंत्रण केंद्र के विशेषज्ञों का दल आज कोझिकोड पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच संघर्ष के बारे में परस्पर विरोधी खबरें। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा, 2015 के परमाणु समझौते को पुनः लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत के लिए तैयार। और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज दूसरी पारी में 3 विकेट पर 270 रन से आगे खेलेगा। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 68,46,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 71,61,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले एक दिन में 42,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जबकि 38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.42% है। केरल के कोझिकोड जिले में निपा वायरस से संक्रमित 12 वर्षीय बच्चे की आज सुबह मृत्यु हो गई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि बच्चे के नमूने पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजे गए थे, जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने आज कोझिकोड में उच्च स्तरीय बैठक की। रोग नियंत्रण केंद्र के विशेषज्ञ के दल आज कोझिकोड पहुंचने की संभावना है। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से संक्रमित बच्चे का इलाज करने वाले 2 स्वास्थ्यकर्मियों में निपा के लक्षण पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। वर्षा के कारण होने वाले संचारी रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में फॉगिंग और स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। राज्य के कई जिलों में संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच संघर्ष के बारे में परस्पर विरोधी खबरें मिल रही हैं। पंजशीर में जारी संघर्ष के दौरान लगभग 600 तालिबानी मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ने यह खबर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध कर रही सेना के अनुसार 1,000 से अधिक तालिबान को पकड़ लिया गया है या उन्होंने समर्पण कर दिया है। खबरों के अनुसार तालिबान का कहना है कि पंजशीर में संघर्ष जारी है, लेकिन राजधानी बजारत में सड़क पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों के कारण आगे बढ़ने में समय लग रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनका देश 2015 के परमाणु संधि फिर लागू करने के बारे में विश्व की शक्तियों से बात करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पश्चिमी देशों का दबाव नहीं होना चाहिए। ईरान इसलिए वार्ता करना चाहता है ताकि अमरीका उस पर लगे प्रतिबंध हटा ले। ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच में आज भारत दूसरी पारी में 3 विकेट पर 270 रन से आगे खेलेगा। कप्तान विराट कोहली 22 और रविन्द्र जडेजा 9 रन बनाकर क्रीज पर हैं। कल तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण नियत समय से पहले रोक दिया गया। भारत को 171 रन की बढ़त मिल गई है। इससे पहले रोहित शर्मा ने शानदार 127 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने 61 और KL राहुल ने 46 रन की पारी खेली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति
आजादी का सफर, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम भारत के स्वाधीनता संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक की बात कर रहे हैं। आज ही के दिन 1920 में स्वराज की मांग को लेकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ये गांधी जी का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जनसंहार से उपजे देशव्यापी आक्रोश से इस आंदोलन को ताकत मिली। जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में ब्रिटिश सरकार के टालमटोल रवैये ने आग में घी का काम किया। चूंकि जनरल डायर ने ही पुलिस को भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया था, लिहाजा पूरे देश में उसके खिलाफ गुस्सा था। गांधी जी ने अहिंसक तरीके से इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस दौरान लोगों ने अपनी उपाधियां लौटा दी। सरकारी शैक्षिक संस्थाओं, अदालतों, सरकारी नौकरियों, विदेशी सामानों और चुनावों का बहिष्कार किया तथा कर देने से भी साफ इनकार कर दिया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में शायद ये पहला मौका रहा होगा जब अंग्रेजी सरकार को समूचे भारत से विरोध का सामना करना पड़ा। जाहिर है इससे अंग्रेज सरकार हिल गई। ये बात और है कि चौरी चौरा जैसी कुछ घटनाओं ने अहिंसक आंदोलन को नुकसान पहुंचाया, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन अपना लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा, लेकिन इसने लाखों भारतीयों को उत्साह से भर दिया। बहिष्कार और सत्याग्रह ने हर भारतीय तक राष्ट्रवाद की पहुंच बना दी। ये पहला आंदोलन रहा जिसके बाद हर भारतीय की एक ही चाह रह गई, भारत को आजाद कराना। भारतीय मूल्यों पर चलने वाले स्कूल और कॉलेज खोले गए। इसी दौरान खादी और दूसरी स्वदेशी चीजें आंदोलन का प्रतीक बन गयी। आज ही के दिन महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी कप्पा लोटिया तमिलन वीओ चिदंबरम पिल्लई का भी जन्म हुआ था। वे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जन्मे द तमिल हेल्म्समैन के नाम से भी मशहूर थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीओसी के नाम से भी जाने जाते थे। वे युवावस्था में ही बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हो गए। ये वो दौर था जब मद्रास प्रेसिडेंसी में सुब्रमण्यम भारती सक्रिय थे, वो भी वहाँ स्वदेशी के प्रमुख प्रवक्ता बनकर उभरे। वीओ मशहूर वकील भी थे। मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने हथकरघा उद्योग के विकास के लिए धर्म संघ नेसा बुचलई और स्वदेशी स्टोर शुरू किया। कह सकते हैं कि स्वदेशी उत्पादन और कारोबार के वे नेता थे। वीओ ने नेशनल गोडाउन, मद्रास एग्रो इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड और द देसा बिमना संगम जैसी अनेक संस्थाओं के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वे राजनीतिक संघर्ष में दिलचस्पी लेने लगे थे। उस समय जहाजरानी उद्योग पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। वीओ पहले भारतीय थे जिन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की। उन्होंने कंपनी के लिए भाप से चलने वाले दो जहाज एसएस गल्लिया और एसएस लावोए खरीदा था। इन जहाजों के जरिए तूतीकोरिन और कोलंबो बंदरगाहों के बीच कारोबार और आवागमन हो रहा था। स्वदेशी आंदोलन को व्यापक रूप देने के उनके प्रयासों के कारण ब्रिटिश राज से उनका विवाद बढ़ता गया और 12 मार्च 1908 को राजद्रोह के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनका बैरिस्टर का लाइसेंस वापस ले लिया गया। हाईकोर्ट में अपील के बाद दिसंबर 1912 के आखिर में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1936 के आखिर में
स्वदेशी के इस प्रबल प्रवक्ता ने अपनी अंतिम सांस तक स्वदेशी और स्वाधीनता संघर्ष की मशाल जलाए रखी। विद्वान, लेखक और निडर स्वाधीनता सेनानी वीओसी का जीवन प्रतिरोध, संघर्ष और राष्ट्रहित के लिए बलिदान की कहानी है। वीओसी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष क्विज शुरू की है। यह क्विज अगले साल 15 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगी। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ छींटे पड़ने की अनुमान है। उत्तरी भारत में जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला, ईटानगर और गंगटोक में बादल छाए रहेंगे और एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित 19 पदक। आज खेलों के अंतिम दिन बैडमिंटन में कृष्ण नागर ने स्वर्ण और सुहास यतिराज ने रजत पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण नागर और सुहास यतिराज की जीत की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा शिक्षा से बच्चों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा सुदृढ़ होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। देश भर में अब तक 68,46,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.42% हुई। केरल में नीपा वायरस से संक्रमित 12 वर्षीय बच्चे की मौत। रोग नियंत्रण केंद्र के विशेषज्ञों का दल आज कोझिकोड पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट और तालिबान के बीच संघर्ष के बारे में परस्पर विरोधी खबरें। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा वर्ष 2015 के परमाणु समझौते को पुनः लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बातचीत के लिए तैयार।
और ओवल में इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज दूसरी पारी में 3 विकेट पर 270 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।